एक बार की बात है, फतेहपुर नामक इलाके में श्यामू नाम का आदमी रहता था। श्यामू का एक चाय का ठेला है। श्यामू रोज सुबह चाय के ठेले पर जाता और अपने ग्राहकों को चाय पिलाता। इलाके में श्यामू की चाय बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। श्यामू रोज सुबह उठकर नहा धोकर अपने ठेले पर जाता और अपने साथ अपने छोटे बच्चे को भी ले जाता है। उसके बेटे का नाम सोहन है। बेटा, जल्दी चलो, ठेले पर जाना है। आ रहा हूँ। तुमसे कितनी बार बोला है, समय से तैयार हो जाया करो। कल से बिल्कुल भी देर नहीं होगी। श्यामू और उसका बेटा दोनों ठेले की तरफ चलते हैं। रास्ते में श्यामू का मित्र मिलता है। श्यामू भैया, क्या हाल है? भैया, कृपा है आपकी। काफी समय बाद दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें पता है भाई, दिन भर दुकान में व्यस्त रहता हूँ और रात होते ही सीधा घर, तो समय ही नहीं मिल पाता। कभी हमारे लिए भी समय निकाल लीजिए। कभी दुकान पर आओ, चाय पियेंगे साथ बैठकर। जी बिल्कुल। श्यामू और उसका बेटा दुकान पर पहुंच जाते हैं, चाय बनाना शुरू करते हैं। कस्टमर ठेले पर पहुंच जाते हैं और श्यामू और उसका बेटा सभी को चाय देते हैं। ये उनकी रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। दिन भर काम करने के बाद श्यामू और उसका बेटा ठेले को बंद करते हैं। बेटा, ऐसे ही दिल लगाकर काम किया कर। जी पिताजी। गल्ले से पैसे भी निकाल कर गिन ले। सोहन गल्ले से पैसा निकाल कर गिनता है। आज कितने पैसे कमाए बेटा? 2000 रुपए पिताजी। भगवान का शुक्रिया करो और दुआ करो कि हम रोज इस तरह पैसे कमाते रहें। दोनों घर की तरफ चलते हैं। घर जाकर खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह श्यामू उठता है, तैयार होता है और श्यामू और सोहन दोनों ठेले पर निकल पड़ते हैं। ठेले पर कस्टमर आते हैं। एक चाय देना। श्यामू चाय देता है। आप रोज हमारे यहाँ चाय पीते हैं, चाय कैसी लगती है आपको? मेरा मतलब है, कुछ कमी तो नहीं है चाय में? चाय तुम बहुत बढ़िया बनाते हो, तो तभी तो हम यहाँ रोज पीते हैं, कोई कमी नहीं है। जी धन्यवाद। सुनने में आया है यहाँ एक नया चाय का ठेला लगने वाला है, वो ठेला आप ही खोल रहे हैं क्या? नए ठेले के बारे में सुनकर श्यामू थोड़ा चिंतित होता है, क्योंकि उसके लिए कंपटीशन बढ़ गया था। अरे नहीं, मेरे पास इतना पैसा कहाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। कस्टमर चाय पीकर चला जाता है। श्यामू अपने बेटे से कहता है। बेटा, जरा बात सुन। जी पिताजी। अभी जो कस्टमर आए थे, वो ये बता रहे थे कि कल से यहाँ एक नया चाय का ठेला खुलने वाला है, तो बेटा हमको अब ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन हमारी चाय तो बहुत फेमस है, लोग तो हमारे यहाँ ही चाय पियेंगे। बेटा, फेमस चाय का स्वाद है, हम नहीं। अगर सामने वाले ठेले की चाय हमसे ज्यादा अच्छी हुई, तो हमारे सारे कस्टमर वहीं चले जाएंगे। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं पूरी मेहनत करूंगा। रोज की तरह दोनों शाम को दुकान बढ़ाते हैं और घर चले जाते हैं। अगले दिन श्यामू और सोहन ठेले पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं एक नया ठेला खुल गया होता है। श्यामू नए दुकानदार को बधाई देने जाता है। बधाई हो भाई साहब। धन्यवाद भैया जी। भाई साहब, आपको पता था मेरी दुकान पहले से ही यहाँ पर है, तो आपको अपनी दुकान को कहीं और खोलना चाहिए था। भैया जी, आपको पता है महंगाई कितनी है, बड़ी मुश्किल से मुझे ये जगह मिली है। चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, आप भी दुकानदारी कीजिए, हम भी दुकानदारी करते हैं। श्यामू अपने ठेले पर चला जाता है और चाय बनाता है। नया ठेला खुलने की वजह से कुछ कस्टमर नए ठेले पर चाय पीने जाते हैं। ये सब देखकर श्यामू बहुत परेशान हो जाता है। समय बीतता है और नए ठेले वाले की चाय बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होने की वजह से धीरे धीरे श्यामू के सारे कस्टमर उसी के पास चले जाते हैं। बेटा, हमारे तो सारे कस्टमर नए ठेले पर चले गए हैं।
अब हम क्या करेंगे पिताजी? हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये चाय में डाल क्या रहा है जो इसकी चाय इतनी ज्यादा अच्छी बन रही है, और सभी लोग इसकी चाय के इतने दीवाने कैसे हो गए हैं। ऐसा लगता है लोगों को नशा सा हो गया है इसकी चाय का। अगले दिन श्यामू भी नए ठेले वाले की तरह सेम चाय पत्ती, दूध और इलायची लाता है और चाय बनाता है, लेकिन फिर भी कस्टमर को श्यामू की चाय पसंद नहीं आती और सारे कस्टमर नए ठेले वाले की चाय पीने चले जाते हैं। श्यामू को शक होता है। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये चाय में मिला क्या रहा है। तो पिताजी, आपने सोचा कि पता कैसे लगाया जाएगा? हाँ, मैंने एक प्लान सोचा है। कैसा प्लान? देखो, जब भी वो चाय बनाएगा तो तुम चुपके से जाकर देखना कि आखिर ये चाय में मिला क्या रहा है। ठीक है पिताजी। नए ठेले वाला जैसे ही चाय बनाने को अपना बर्तन रखता है, श्यामू सोहन को इशारा करता है और सोहन नए ठेले वाले को देखने के लिए पीछे के पार्क में चला जाता है। सोहन देखता है कि नए ठेले वाले ने अपनी पत्नी से एक सफेद पाउडर लिया और उसे चाय में डाल दिया। ये सब देखकर सोहन अपने ठेले पर लौटता है। बेटा, पता लगाया तुमने कि वो क्या मिला रहा है? हाँ पिताजी, मुझे पता चल गया है। तो बताओ क्या मिला रहा है। जब वो चाय बनाता है तो वो उसमें एक सफेद पाउडर मिलाता है, शायद इसी से लोगों को चाय इतनी पसंद आ रही है। अच्छा भाई, मेरे बात समझ में आ रही है। सफेद तो अफीम होती है, ये चाय में अफीम मिला रहा है। श्यामू तुरंत पुलिस को फोन करता है। श्यामू फोन पर। हेलो दरोगा साहब, हमारे ठेले के सामने एक नया ठेला खुला है जिसकी चाय आजकल बहुत फेमस हो रही है। दरअसल वो चाय में अफीम मिला रहा है जिससे लोग उसकी चाय के आदी हो चुके हैं। आप यहाँ आइए और उसका पर्दाफाश कीजिए। खबर पक्की है? जी बिल्कुल पक्की है। थोड़ी ही देर में दरोगा साहब अपनी टीम के साथ ठेले पर पहुँचते हैं। दरोगा साहब नए ठेले वाले से। मैंने सुना है कि तुम अपनी चाय में कुछ मिला रहे हो जिससे लोग तुम्हारी चाय के आदी हो गए हैं। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तुम्हारे ठेले की तलाशी लेनी होगी। ये कहकर दरोगा साहब ठेले वाले की तलाशी लेते हैं। बहुत देर की छानबीन के बाद दरोगा साहब को वो सफेद पाउडर मिल जाता है। तुम बोल रहे थे कि चाय में कुछ नहीं मिला था, तो फिर ये सफेद पाउडर क्या है? सच सच बताओ ये क्या है। नया ठेले वाला दरोगा साहब को साइड में ले जाता है और उन्हें बताता है। दरोगा साहब, मैं चाय में कोई भी नशीली चीज नहीं मिलाता हूँ। तो जो पाउडर मिल रहा है वो क्या है? दरअसल बात यह है कि मैं दूध में दूध का पाउडर भी मिलाता हूँ जिससे दूध ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और चाय ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि सामने वाले ठेले वाले को ये बात पता ना चले कि मैं दूध के पाउडर का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, फिर हमें भी एक चाय पिलाओ। नया ठेले वाला दरोगा जी के लिए चाय बनाता है। भाई वाकई तुम्हारी चाय में दम है। इस प्रकार दरोगा साहब को सारी बात समझ में आ जाती है। वो श्यामू को गलत कंप्लेंट करने की वजह से डांटता है और वापस चला जाता है। दरअसल श्यामू जिस पाउडर को अफीम समझ रहा था वह दूध का पाउडर था। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी बात की तह तक जाए बिना किसी पर भी आरोप नहीं लगाना चाहिए।